मौत और बदनसीबी दो ही ऐसी चीजें हैं जो बगैर खबर के आती है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही आइकॉनिक डायलॉग सुनने के बाद आपको भी बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलेन डेनी डेंजोंगपा की याद आई होगी, जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी खूंखार खलनायकी से लोगों को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए तो आज भी इनकी फिल्मों का क्रेज दर्शकों के दिलो दिमाग से उतरा नहीं, लोग इनकी फिल्मों को देखने के लिए आज भी पागल रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ लोग इनकी फिल्मों को देखने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, तो वहीं डेनी डेंजोंगपा के लाडले बेटे रिजिंग को अपने पिता की फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट इनके करियर की चार फिल्में तो ऐसी है जो इनके रिजिंग डेंजोंगपा कभी भी नहीं देखना चाहते। तो आखिरकार कौन सी है वो चार फिल्में जो इनके बेटे रिजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चार फिल्मों के बारे में बताएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अग्निपथ। जी हाँ, अभिनेता डेनी डेंजोंगपा के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी अग्निपथ, जिसमें इन्होंने एक खूंखार खलनायक की भूमिका अदा की थी। मगर जहाँ एक तरफ लोगों ने इनके एक्टिंग को खूब पसंद किया था, तो वहीं इनके बेटे रिजिंग को इनकी ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जी हाँ, जब इन्होंने इस फिल्म के रिव्यूज पढ़े थे तो उसमें दिखाया गया था कि इन्होंने लोगों पर काफी जुल्म किया था, जिसके चलते कई लोग मारे गए थे। और यही बात जब उन्होंने पढ़ी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसलिए तो उन्होंने इस फिल्म को आज तक नहीं देखा और ना कभी देखना चाहते हैं। नंबर टू, घातक। जी हाँ, अभिनेता सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की जबरदस्त मूवी घातक तो आपको याद ही होगी, जिसका आज भी एक दमदार डायलॉग सातों का साथ मारूंगा फेमस रहता है। मगर इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी रिजिंग इस फिल्म को नहीं देखना चाहते, क्योंकि इस फिल्म में उनके पिता का लुक काफी अजीब था, साथ ही ये काफी खूंखार एक्टिंग करते हुए नजर आए थे, जो लोगों पर कुत्तों की तरह जुल्म करते रहे, जैसा कि आपने देखा ही होगा। इसलिए तो इनके बेटे को लगा कि अगर वो ये फिल्म देखेंगे तो उन्हें अपने पिता को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और उन्हें अपने पिता से ही नफरत होने लगेगी, इसलिए तो वो इस फिल्म को कभी नहीं देखना चाहते। नंबर थ्री, रोबोट। अभिनेता डेनी डेंजोंगपा की जिन फिल्मों को इनके बेटे रिजिंग ना पसंद करते हैं, उनमें से एक नाम रोबोट फिल्म का भी शामिल है। जी हाँ, इस फिल्म में अभिनेता डेनी दोबारा से नकारात्मक किरदार में थे, लेकिन इस बार इन्होंने चंद पैसों के लालच में आकर रोबोट को भी अपना निशाना बना दिया था। तभी तो चारों लोग डेनी डेंजोंगपा की बुराई कर रहे थे। अपने पिता की बुराई रिजिंग से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें अपने पिता की इस फिल्म से नफरत ही होने लगी गई। नंबर फोर, क्रांतिवीर। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में एक नाम क्रांतिवीर मूवी का भी शामिल होता है, जिसे इनके बेटे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर बात करें इसके पीछे के कारण के बारे में, तो बता दें इस फिल्म में उनके पिता काम करते हुए रियलिटी में घायल हो गए थे, जिसके चलते इन्हें काफी ज्यादा चोट आ गई थी। और जब ये घर पर आए तो अपने पिता को खून से लथपथ देखकर रिजिंग काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। तो दोस्तों, आपको और डेनी डेंजोंगपा की इन चार फिल्मों में से कौन सी फिल्म में उनका किरदार ना पसंद है, आप हमें फिल्म का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।